अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। आज मैं आपसे पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि माइक्रोवेव में और तवे पे पिज़्ज़ा किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने रेडीमेड बेस पिज़्ज़ा लिया है और चीज़ लिया है, ये वाला पिज़्ज़ा चीज़ है और ये दोनों मोज़रेला चीज़ है। मैंने यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्ची और प्याज को इस तरह से कट करके ले लिया है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा वेजिटेबल हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चिकन टिक्का यूज़ किया है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसकी जगह पे पनीर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे पिज़्ज़ा सॉस बनाना है, जिसके लिए मैंने टमाटो केचप लिया है, जिसमें मैंने एक चम्मच चिली फ्लेक्स लिए, आधा चम्मच ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक लिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया है, जिस पर मैंने थोड़ा सा बटर अप्लाई कर दिया है और पिज़्ज़ा बेस ले लिया है। इस पर मैंने अभी जो बनाया है पिज़्ज़ा सॉस, उसको मैं पहले अप्लाई करूँगी। मैं इस पर जो मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है वो उसको इस तरह से लगा लूँगी। सारे वेजिटेबल इस तरह से रख दूँगी। अगर आपके पास इससे ज़्यादा वेजिटेबल हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जितने थे मैंने उसे यूज़ कर दिया। अब मैं इस पर चिकन टिक्का रख दूँगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप पनीर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो। अब यहाँ पर मेरे पास क्यूब वाला चीज़ था तो मैं वो भी इस पर लगा लूँगी। और ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी, जिससे इस पर अच्छा फ्लेवर आता है। अब मेरा पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में डालने के लिए रेडी हो गया है तो मैं अभी इसे माइक्रोवेव में डाल दूँगी। मैं माइक्रोवेव को 4 से 5 मिनट के लिए ग्रिल मोड पे सिलेक्ट कर दूँगी और जब तक मेरा ये रेडी होता है तब तक मैं तवा पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर सेम प्रोसेस किया है, बिल्कुल भी सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर भी करने वाली हूँ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसे मैं अभी तवे पे बनाना बताऊँगी। Thank you.
मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा बटर लगा लिया है, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। फिर उस पर ये पिज़्ज़ा रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है और इस पर ढक्कन ढक दिया है। अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रख दूँगी। मेरे 5 मिनट हो गए हैं तो मैं ढक्कन हटा दूँगी। आप देख सकते हैं मेरा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल दूँगी तो मेरा तवा पिज़्ज़ा रेडी है। अब मैंने यहाँ पर मेरा माइक्रोवेव से भी पिज़्ज़ा निकाल लिया है जो अच्छी तरह से हो गया है। तो अगर आपको मेरी दोनों रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।